वैश्विक महामारी कोरोना ने सामाजिक असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीमारी ने आम लोगों में इतनी दहशत फैला दी है कि अब परिवार और समाज का बिखरना शुरू हो गया है। बाहर से आने वाले लोगों को उनके परिवार के लोग भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आलम यह है कि लोग कोरोना बीमारी से कम बीमार से अधिक दूरी बनाने लगे हैं। यहां तक कि मोहल्लों में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। कॉलोनियों के गेट की बैरिकेडिंग कर दी गई है। यदि किसी परिवार का कोई सदस्य बाहर से घर लौटता है तो उसके लिए दरवाजा खोलने से भी परहेज किया जाने लगा है। सामाजिक नजरिए से ये बेहद खतरनाक स्थिति है। कोरोना का वायरस समाज की नींव को खोखला करने लगा है। अब समय आ गया है जब सामाजिक ताने बाने को बचाने के लिए बुद्धिजीवियों और आम लोगों को आगे आना होगा। यदि अभी ऐसा नहीं किया गया तो भारत की सदियों पुरानी सामाजिक परंपरा पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाएगी और शहरों में कोरोना संक्रमितों की अलग बस्तियां देखने को मिल सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुष्ठ रोगियों के लिए बस्तियां हैं। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। लोगों को समझना होगा कि कोरोना का मतलब मौत नहीं है और ना कोई मरीज जीवन भर इससे संक्रमित रह सकता है। कोरोना के प्रति जागरूकता और सतर्कता जरूरी है, लेकिन संदिग्धों संक्रमितों की उपेक्षा से समस्या का हल नहीं निकल सकता। ये हमारे परिवार को और समाज को तोड़ कर रख देगा। कोरोना संकट के सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। कोरोना का प्रकोप रोकने के लिए 25 मार्च को पूरे देश में किए गए लॉकडाउन के तीसरे दौर के अंतिम 24 घंटे में हम प्रवेश कर चुके हैं। 55 दिन से जारी इस लॉकडाउन के दौरान कई तरह की घटनाएं हुईं, तरह तरह की खबरें आईं और संक्रमितों की संख्या के साथ साथ स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी। देश कोरोना संकट की मार झेल रहा है, इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं है, लेकिन कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमने क्या खोया है और भविष्य में हम क्या खोने वाले हैं, इस बारे में कहीं कोई बात नहीं हो रही है। कोरोना महामारी ने खासकर भारत में बहुत गहरा असर दिखाया है। इस बीमारी ने भारत के पारिवारिक और सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। हालत ये हो गई है कि बाहर से लौटने वाले बेटे के लिए भी घर का दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग ने सोशल डिवाइड की स्थिति पैदा कर दी है। कई मोहल्लों और कॉलोनियों में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कुछ दिन पहले कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं जिनमें माँ बाप को उनके बच्चों से दूरी बनाकर खाना खाते या घर के बाहर से ही बातचीत करते हुए दिखाया गया था। ये तस्वीरें मानवीय संवेदनाओं को तो झकझोरती हैं, लेकिन इनका संदेश बहुत विपरीत गया। अब लोग बाहर से आने वाले अपने परिजनों के लिए भी दरवाज़ा खोलना नहीं चाहते। संक्रमितों को तो छोड़ दीजिए, संदिग्धों के साथ भी अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कभी टीबी के मरीजों या कुष्ठ रोगियों के साथ किया जाता था। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि पुराने जमाने में यदि घर के किसी सदस्य को टीबी होता था तो उसे परिवार से अलग कर दिया जाता था, कोई उसके करीब नहीं जाता था। इस उपेक्षा ने कई टीबी मरीजों को असमय ही मौत के मुंह में ढकेल दिया। कमोबेश यही हालत कोरोना की भी है। पिछले 45 दिन में केवल झारखंड में ही 14 लोगों ने कोरोना के दहशत से आत्महत्या कर ली है। यानी झारखंड में जितने लोग कोरोना से मरे हैं उससे 4 गुना अधिक लोगों की जान दहशत के कारण गई है या गंभीर स्थिति है। इसका साफ संकेत यह है कि कोरोना अब केवल शारीरिक संक्रमण नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारे सामाजिक जीवन को भी बुरी तरह प्रभावित करने लगा है। घरों और परिवारों के बीच की दूरी तो मोबाइल और इंटरनेट ने तो पहले ही काफी बढ़ा दिया था, कोरोना ने इस खाई को और चौड़ा कर दिया है। कोरोना ने सामाजिक धार्मिक आयोजनों पर तो ब्रेक लगा ही दिया है, अब पारिवारिक दूरी भी बढ़ने लगी है। इसका निदान क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। कोरोना का संकट तो समय के साथ कम होता जाएगा, लेकिन परिवार और समाज को इस बीमारी ने जो घाव दिया है वो शायद ही कभी भर पाए। इसलिए इस घाव का उपचार अभी से ही जरूरी है ताकि ये भीतर तक न फैले। इसके लिए समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक संगठनों को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
उन्हें आगे आकर लोगों को समझाना होगा कि कोरोना का मतलब मौत नहीं है, खासकर झारखंड में तो बिल्कुल नहीं है। कोरोना सामान्य फ्लू का नया वर्जन है जिसके साथ हमें जीना सीखना है। ये ठीक वैसी ही बीमारी है जैसे सामान्य जुकाम और वायरल बुखार होता है, जो आपसी संपर्क से फैलता है और 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। अंतर केवल इतना है कि कोरोना का संक्रमण अधिक तेजी से फैलता है और अब तक इसका इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। सरकार और प्रशासन को भी लोगों को जागरूक बनाने के लिए एक अभियान शुरू करना होगा, वरना लोग कोरोना से लड़ने के बजाय कोरोना संक्रमित से लड़ने लगेंगे, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण 2 दिन पहले रांची में मिल चुका है, जब घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट की, क्योंकि उन्हें संदेह था कि ये प्रवासी मजदूर कोरोना फैला सकते हैं। गढ़वा में तो घर लौटे दर्जन भर से अधिक मजदूरों को गांव के बाहर पेड़ के नीचे दिन बिताना पड़ रहा है, क्योंकि उनके गांव वालों ने ही उन्हें गांव में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना से बचाव के लिए जिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है, वो सोशल डिवाइड बनता जा रहा है। ये भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।